गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले इस कार्यक्रम में अमित शाह सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वहां एक परेड का आयोजन किया गया है जिसमें अर्धसैनिक बल और गुजरात पुलिस के जवान हिस्सा लेंगे। परेड के बाद अमित शाह का संबोधन भी होगा। समारोह में पीएम मोदी का एक वीडियो संदेश भी दिखाया जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों से ITBP, SSB, CISF, CRPF और BSF के 75 साइक्लिस्ट 9000 किलोमीटर की यात्रा करके इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात के 101 पुलिसकर्मी 9200 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा तय कर इस समारोह में पहुंचेंगे। समारोह में ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विजेता 23 खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड होने वाली है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में खास कार्यक्रम होगा जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह है और अब से कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे केवड़िया जहां पर एक खास समारोह होने वाला है। आपको बता दें अभी तक जब से 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है तब से पीएम मोदी समारोह में शिरकत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी इस वक्त इटली में है इसलिए इस बार अमित शाह मुख्य अतिथि हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है तो पूरे देश में एकता दिवस के तौर पर उनकी जयंती को मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने तमाम रियासतों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और जो उनके प्रयास थे देश को एकजुट करने के लिए उसको सम्मान देने के लिए इसको एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मातृभूमि के लिए सरदार साहब का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर भारतवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। अखंड भारत के ऐसे महान शिल्पी की जयंती पर उनके चरणों में वंदन और समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं। सरदार पटेल का जीवन हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लौह नेतृत्व और अदम्य राष्ट्र प्रेम से देश के भीतर की सभी विविधताओं को एकता में बदलकर एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप दे सकता है। सरदार साहब ने देश के एकीकरण के साथ आजाद भारत की प्रशासनिक नींव रखने का भी काम किया। तो ये ट्वीट किया है अमित शाह ने जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे जो केवड़िया में कार्यक्रम होने वाला है। दिवाली से ठीक पहले रिलायंस जियो ने अपने नए फोन का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया है। ये फोन दिवाली से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और कंपनी का दावा है कि जियो फोन नेक्स्ट सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा जिसे केवल 1999 रुपए देकर किसी भी जियो स्टोर से लिया जा सकेगा। गूगल और जियो ने मिलकर ये फोन तैयार किया है और इसमें कई ऐसी खूबियां हैं जो किसी दूसरे स्मार्टफोन में नहीं है। इन्हीं में से एक है वॉइस असिस्टेंट जिसके जरिए ग्राहक फोन से बात कर पाएंगे। वॉइस के थ्रू इससे बात, हेलो नमस्ते, आज आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपका दिन कैसा चल रहा है? प्रगति नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस जियो फोन को ग्राहक आसान किस्तों में ले पाएंगे जिसके लिए कंपनी ने 18 महीने और 24 महीने के अलग अलग प्लान बनाए हैं। इस फोन में सेल्फी के लिए शानदार कैमरा भी दिया गया है। बहुत ही अच्छी सेल्फी, एकदम फुल लाइटिंग, अच्छी सी, कोई भी इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ 1999 के फोन से ली गई है, मतलब कि इतना कम दाम में भी इतनी सुपर क्वालिटी होगी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज है इसकी। इतना ही नहीं, इस जियो फोन नेक्स्ट में किसी भी भारतीय भाषा में स्क्रीन पर लिखी जानकारियों को ट्रांसलेट किया जा सकता है। झारखंड के पाकुड़ में सड़क हादसे के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि वहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद जान गंवा चुके लोगों के परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया जिसके लिए वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। शव को एक ट्रॉली में रखकर कुछ महिलाएं सड़क के बीच बैठ गईं, जबकि आसपास कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सड़क पर जैम लग गया और बाइक पर सवार लोग रास्ता खुलने का इंतजार करते दिखे। लोगों ने मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग की। ट्रैक्टर पकड़ा गया है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग जाम नहीं छोड़ेंगे। हंगामे की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया जबकि प्रशासन के कुछ लोग हालात को संभालने की कोशिश करते दिखे।
बताया गया कि हादसा ट्रैक्टर की गाड़ी से टकराने की वजह से हुआ, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नगर निगम की बैठक के दौरान मेयर और आयुक्त आपस में भिड़ गए। बताया गया कि मेयर ने आयुक्त के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिस पर आयुक्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने बैठक के बीच में ही मेयर मुकेश आर्य को टोकते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। किसी अधिकारी के प्रतिष्ठा पे किसी को भी हक नहीं है कि कुछ कहा जाए। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट ये बात मुझे नहीं पची। नगर निगम आयुक्त अनुनय झा के इस जवाब पर मेयर ने उन्हें अपने गुस्से की वजह बतानी चाहिए, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी और इस IAS अधिकारी ने मेयर के हाथ से माइक एक बार फिर छीन ली। आप औकात की बात नहीं कर सकते, आप औकात की बात नहीं कर सकते। अगर औकात की बात है तो मेरी औकात है, मैं यहाँ से चला जाता। वहीं बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने मामले को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयुक्त अपने रुख पर अड़े रहे। उनके तेवर को देखते हुए मेयर को अपनी गलती माननी पड़ी। मेयर के अपनी गलती मानने के बाद हंगामा शांत हो सका। परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मुंबई की किला कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। परमबीर सिंह अवैध वसूली के आरोप में घिरे हुए हैं। RSS ने संगठन के विस्तार के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया गया कि 2025 तक देश के हर मंडल तक एक मजबूत संगठन के तौर पर RSS काम करने की योजना बना रहा है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में कई गाड़ियां दब गईं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC पर पेट्रोलिंग के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उस बयान पर यूटर्न ले लिया, जिसमें उन्होंने 2 अक्टूबर को इशारों में ये संकेत दिए थे कि अगली बार भी वो ही CM होंगे, मगर 27 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुर बदले बदले नजर आए। चौथी बार तो क्या आगे आप लोग माई बाप साहब बैठे हो, मुख्यमंत्री चौथी बार कौन बने अलग बात है, पर चौथी बार सरकार जरूर आए कांग्रेस की, हमारा दे होना चाहिए। मौके की ताक पर बैठी BJP ने भी बिना वक्त गवाए CM के इस यूटर्न पर उन्हें घेर लिया। लाकमान की जो कमजोरी है उन सब चीजों का इम्पैक्ट अशोक जी की मानसिकता पे, इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक रिहायशी इलाके में अजगर घुस गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि जो अजगर मिला वो 10 फीट लंबा था, जिस पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी पहले तो वो घबरा गए, लेकिन इलाके के कुछ लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी और उस अजगर को पकड़ने में जुट गए। अजगर इतना लंबा और भारी भरकम था कि 3 लड़कों ने उसे मिलकर किसी तरह पकड़ा। अजगर को पकड़ने के बाद एक लड़के ने तो उसे गले में ही लपेट लिया। इसकी लंबाई कम से कम 8 से 10 फुट। बाद में उन्होंने उस अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। UP के मुजफ्फरनगर में रिहायशी इलाके में मौजूद रूई के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसे की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि रूई के लट्ठों में लगी आग तेजी से फैलती गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर तक उसकी तेज लपटें दिखाई दे रही थी। आग लगने की वजह से आसपास का इलाका धुएं से भर गया। इस बीच आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, जिसमें दमकल की 2 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। फायर यूनिट की मदद से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, कोई जानहानि नहीं हुई। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से पाइप के जरिए पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पर कोई असर होता नहीं दिखा। आग की वजह से बड़ा नुकसान होने का अनुमान जताया गया। दावा किया गया कि कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझा दी गई। अमेरिका के हवाई राज्य में कुछ वक्त से शांत पड़े ज्वालामुखी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा दिया। पृथ्वी के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक इस ज्वालामुखी में हाल ही में जोरदार विस्फोट हुआ था, लेकिन कई दिनों तक शांत रहने के बाद एक बार फिर इस ज्वालामुखी ने कोहराम मचाया। विस्फोट के बाद वहां से लावे की नदी बहती दिखी। ज्वालामुखी के लावे के बहने का सिलसिला दिन रात जारी रहा। हालांकि ये लावा अभी रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंचा, लेकिन खबर है कि इस विस्फोट के बाद वहां भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पर हुई फायरिंग के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने सफाई दी। अफगानिस्तान में एक शादी समारोह में तालिबान का नाम लेकर संगीत बंद करवाने पर हुई फायरिंग और 2 लोगों की मौत पर तालिबान की प्रवक्ता ने सफाई दी और इसे आपसी लड़ाई में हुई घटना बताया। राजस्थान में डेंगू के बढ़ते कहर की चपेट में अब तक 9600 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि अब तक 23 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। हरियाणा के रेवाड़ी में खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी, साथ ही राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए।
यूपी के बुलंदशहर में एक स्टील कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंची और काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा दी। हरियाणा में त्योहार के मौके पर मिलावटखोरों को रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की और कई जगहों पर मिली खराब मिठाइयों को जब्त कर लिया। गुजरात के वडोदरा शहर में दिवाली के मौके पर बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग कोरोना का खतरा भूलकर त्योहार के लिए खरीदारी करते दिखे। भीड़ बढ़ने से व्यापारियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। चीन के नियांगची से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में भीषण आग भड़क गई। आग की लपटें भी ऐसी कि वहां आसपास बसे करीब 50 लोगों को अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि आग ने हजारों पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हरे भरे पेड़ सुर्ख लाल लपटों में घिरे दिखे। वहां से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। इतनी भीषण आग देखकर प्रशासन हरकत में आ गया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। अलग अलग हिस्सों से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को काबू में करने की कोशिश की। बताया गया कि इस आग को बुझाने के लिए अब तक 1000 से ज्यादा दमकल कर्मियों को उस इलाके में उतारा जा चुका है। सबकी कोशिश यही है कि इस आग को फैलने से रोका जा सके। बिहार के बेगूसराय से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां रह रहे कैप्टन ऋषि रंजन के परिवार को उनकी शहादत की खबर मिली। बताया गया कि शनिवार को जम्मू कश्मीर में हुए विस्फोट में ड्यूटी पर तैनात 2 जवान शहीद हो गए, जिनमें से लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिवार को जब उनकी शहादत की खबर मिली तो परिवार में मातम छा गया। शहीद जवान की मां का रो रोकर बुरा हाल हो गया। हम पूरा जिंदगी के नाम काट हुआ हो। लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिवार से उनके रिश्तेदार और आसपास के लोग मिलने पहुंचे। मुश्किल की घड़ी में परिवार का साथ देने के इरादे से कुछ लोग घर के बाहर बैठे दिखे। कुछ लोग शहीद जवान के परिवार वालों को ढांढस बंधाते नजर आए। परिवार बेटे को खोने की गम में डूबा है, लेकिन उन्हें ऋषि रंजन की देश के लिए कुर्बानी पर गर्व भी है। मेरा भगना शहीद हुआ है, देश के लिए हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की शहादत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दुख जाहिर किया और परिवार को सांत्वना दी। बताया गया कि जम्मू की राजौरी के नौशेरा में सीमा पर ड्यूटी के समय पेट्रोलिंग कर रहे लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन लैंडमाइन की चपेट में आकर शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां खड़दह में 2 फर्जी वोटरों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही कुछ केंद्रों पर बवाल मचने की भी जानकारी मिली, जिनमें खड़दह का एक सेंटर भी शामिल रहा, जहां बीजेपी उम्मीदवार जय साहा ने 2 लोगों को फर्जी वोटर बताते हुए पकड़ लिया। बस फिर क्या था, लोगों से घिरता देख वो आदमी वहां से भागने लगा, जिसके पीछे जय साहा समेत कई लोग भागे। चोर, 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 चोर। आखिरकार आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन वो वहां से जाने की बराबर कोशिश करता दिखा। इस दौरान उसकी बीजेपी उम्मीदवार से बहसबाजी भी हुई। हंगामे के दौरान जय साहा कागज का एक टुकड़ा दिखाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी फर्जी वोटिंग कराकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इसी तरह एक और शख्स पर भी वहां फर्जी वोट डालने का आरोप लगा। हालांकि दोनों आरोपियों को लोगों ने वहां से भागने नहीं दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से अब मैदानी इलाकों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के कौशाम्बी में सैकड़ों बीघा में लगी फसल बर्बाद हो गई, साथ ही कई इलाकों में पानी भर गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार बुरी तरीके से टूट फूट गई और उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई। अयोध्या में दिवाली पर होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। राम की पैड़ी पर दिवाली से पहले होने वाले इस कार्यक्रम की रिहर्सल की गई और लेजर शो का ट्रायल किया गया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में कई महिलाएं बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने महिलाओं के मुद्दों पर पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। उत्तर प्रदेश की महिला भूली नहीं वो मंजर, जब उसकी प्रताड़ना होती थी। हैदराबाद पुलिस ने बेरोजगार लोगों की मदद के लिए एक जॉब मेले का आयोजन किया। इस मेले में 27 कंपनियों ने हिस्सा लिया और करीब 1480 बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में इस मेले में पहुंचे। यमन के एडन शहर में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। ये धमाका वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। इस धमाके की वजह से आसपास की कई इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ, जबकि 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिका के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक भगदड़ मच गई और दावा किया गया कि एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में से
किसी आदमी के पास बंदूक देखी गई, जिसके बाद फायरिंग के डर से करीब 300 लोग एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भागने लगे और लोग रात के अंधेरे में एयरपोर्ट छोड़कर बाहर निकल गए। लोगों की लंबी कतार एयरपोर्ट की दीवार के पास खड़ी दिखी। एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा तो सुरक्षा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक वहां दहशत का माहौल बना रहा। बताया गया कि कई विमानों को जमीन पर उतारा गया और कुछ घंटों के लिए उड़ानें रोक दी गईं। दावा किया गया कि इस बीच न ही फायरिंग हुई और न ही किसी के पास से बंदूक मिली। हालांकि पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। वहां वो रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी दिवाली के मौके पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखेंगे। अयोध्या में आज 101 स्वयंसेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव के कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी। दिल्ली की सीमाओं से बैरिकेड तो हटा दिए गए, लेकिन किसानों की जिद की वजह से रास्ते अभी भी पूरी तरह खुल नहीं पाए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया और आंदोलन वाली जगह पर सिर्फ स्कूटर मोटरसाइकिलों और पैदल चलने वालों के लिए ही रास्ते खोले, जबकि कार समेत बड़ी गाड़ियों के लिए सीमाएं अभी भी बंद रखी। दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, वहां इसी तरह के हालात दिखाई दिए। पूरे रास्ते को साफ किया जा रहा है ताकि आज से ही लोगों के लिए सुगम रास्ता यहां से खुल जाए, तो थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन आम लोग जो रोज सफर करते हैं उनको अभी और इंतजार करना होगा। वहीं बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने के मुद्दे पर किसान नेता एक बैठक के बाद कोई फैसला लेंगे। 6 नवंबर की एसकेएम ने सी मीटिंग बुलाई है, वो मीटिंग दे विच सगंभीरता नाल विचार करेंगे कि अगे जाना है नहीं जाना है। इससे पहले टीकरी बॉर्डर पर बीती रात किसानों ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब पुलिस ने एक दीवार हटाने की कोशिश की, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में मौजूद किसान जमा हो गए। कुछ तो खुदाई करने वाली मशीन के सामने ही जमीन पर बैठ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को एक बार फिर सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद करना पड़ा और इसके बाद वहां सुरक्षा और बढ़ा दी गई ताकि दोबारा हंगामा शुरू ना हो सके। तो वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल रहा, वहां भी एक दिन पहले बैरिकेड हटा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों के लिए वहां से आना जाना शुरू नहीं हो पाया। किसानों के टेंट अभी भी वहां लगे नजर आए। बैरिकेड हटाए जाने के बाद भी वहां सुरक्षा बल के जवान तैनात दिखे। आम लोगों को अभी भी यहां से आने की इजाजत नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसानों के स्ट्रक्चर, जो उनके मंच हैं, जो उनके टेंट्स हैं, वो अभी भी इस लेन पर मौजूद हैं। वहीं बैरिकेड हटाए जाने के बाद यूपी पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी गाजीपुर बॉर्डर के हालात का जायजा लेने पहुंचे। दिल्ली के टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया। इस बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि किसानों ने सड़कों को नहीं रोका और धरने वाली जगहों पर दोनों तरफ की गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी गई। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा कि अब सड़कों को खोला जा रहा तो भारत सरकार भी किसानों से बातचीत का रास्ता खोले, किसानों की मांग को पूरा किया जाए। तो किसानों ने सड़कों को नहीं रोका है, ये पहले राकेश टिकैत ने कहा था। अब संयुक्त मोर्चा का बयान सामने आया है कि जो रास्ते तो खोले जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी उनकी मांगों के रास्ते को खोले और उसके बाद सामूहिक रूप से आगे की रणनीति पर विचार होगा। किसान मोर्चा का ये बयान उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े रास्ते को खोलने का काम शुरू किया। एक दिन पहले पुलिस ने टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से ये बैरिकेड हटाए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर की है, जहां आंदोलन की वजह से लगे ज्यादातर बैरिकेड हटा दिए गए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां बैरिकेड तो हट गए हैं लेकिन लोगों के रास्ते को अभी खोला नहीं गया है। दोनों ही जगहों पर पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पुलिस अब दोनों ही जगहों से बैरिकेड तो हटा चुकी है, उम्मीद है कि जल्द ही ये रास्ते खुल जाएंगे, जिससे लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। लेकिन लोगों का इंतजार अभी थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि बैरिकेड तो हटे हैं लेकिन रास्ते नहीं खुले हैं। ये ओपन कर दिया गया है, हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए हैं। जो सहमति बनी थी, प्लस दूसरा ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, दिल्ली से बाहर जाने वाला कैरेज वे कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है हमारी तरफ से। कुछ अड़चन आगे है, कुछ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो रोड पर ही लगा दिए गए हैं, रोड के साइड पर, जिनकी वजह से पैसेज नैरो हो गया है। तो ये डेलिब्रेशन के बाद उधर से रिक्वेस्ट ये आई थी कि अभी कमर्शियल व्हीकल्स ना चलें, तो दोनों ही तरफ से कमर्शियल व्हीकल्स अभी नहीं इस रोड पर छोड़े जाएंगे। अभी ये रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए
और प्राइमरीली उनमें से इमरजेंसी व्हीकल्स हैं और टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। यरूशलम में इजराइल की पुलिस की फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। बताया गया कि वहां एक कब्रिस्तान में चल रहे काम का विरोध कर रहे फिलिस्तीनियों को तितर बितर करने के लिए इजराइल पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, जिसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। मगर इजराइल की पुलिस के आगे इन लोगों की एक नहीं चली और उसने एक एक कर हंगामा कर रहे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। अपने साथियों को हिरासत में लिए जाने से बाकी के प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए, लिहाजा हालात संभालने के लिए इजराइल पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिससे बचने के लिए कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ वहीं डटे रहे। इस दौरान वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इस हंगामे की वजह से कब्रिस्तान के बाहर कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए और वहां से गुजर रहे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इजराइल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोबारा हालात न बिगड़े इसके लिए कब्रिस्तान के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और ये शक्ति स्थल से सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इंदिरा गांधी को। यहां पर आम लोग भी हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शक्ति स्थल से। तो राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। कई मौके ऐसे आए जब राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को याद किया और आज उनकी पुण्यतिथि है। ये देखिए, यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम लोग भी मौजूद हैं। और ये शक्ति स्थल पर अब से कुछ देर पहले जब राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी थी इंदिरा गांधी को, तो ये आप देखिए क्योंकि कोरोना का समय है, ऐसे में राहुल गांधी ने भी मास्क लगाया हुआ है और ये परिक्रमा करते हुए उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यूपी के जौनपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पटाखों के गोडाउन में पटाखों ने आग पकड़ ली, जिससे वहां जोरदार धमाके हुए। आरोपी की वहां बना इजाजत के बनाए जा रहे थे पटाखे, इस बीच जरा चूक की वजह से पटाखों में आग लगी और आग लगते ही पटाखे एक साथ फूटने लगे, जिसकी आवाज काफी देर तक और दूर तक सुनाई दी। पटाखों में आग लगने से आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बार उठता दिखा। कुछ देर में आग तो दिखनी बंद हो गई, लेकिन मकान की छत से धुआं लगातार काफी देर तक बाहर निकलता रहा। आरोपी के मकान में बिना इजाजत के पटाखे बनाए जा रहे थे। ये समझ में नहीं आता प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर परमिशन दे रखा है, ऐसे आबादी के बीच में इस तरह का काम हुआ, बहुत बड़ी घटना घटी है। बताया गया कि हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि हादसे की वजह से आसपास के करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि पूरी इलाके में दहशत फैल गई। दिल्ली सरकार ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के इलाज में देरी ना हो इसके लिए बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड का 1/3 इस्तेमाल इन मरीजों के लिए किया जाएगा। मतलब कोरोना के लिए रिजर्व 1/3 बेड पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों का इलाज होगा। इससे पहले इसी महीने की 18 तारीख को भी कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड की संख्या में कमी करने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों में कोरोना के रिजर्व बेड की संख्या घटा दी गई, ताकि दूसरे मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा सके। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनावी दौरे पर गोवा पहुंची टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मोदी जी इज़ गोइंग टू बी मोर पावरफुल बिकॉज़ ऑफ कांग्रेस। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तरह का समझौता है। ममता के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे की पार्टी की मुखालफत करना, ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी की हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग पर जमकर बरसे। I don't even want to waste, you know, 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%.
राजस्थान के झुंझुनू में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक दलित समुदाय के छात्र की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि दो छात्रों के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद स्कूल के एक टीचर ने उसे डंडों से पीट दिया। 3-4 डंडे टूट गए थे, मोटे मोटे डंडे टूटने के बाद मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गुजरात के कच्छ में दबंगों ने दलित समुदाय के कुछ लोगों को पीट दिया। बताया गया कि ये सभी लोग गांव के एक मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें मंदिर में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए एक स्टेडियम में रखा गया, जहां प्रशंसकों, फिल्मी हस्तियों से लेकर नेताओं और खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुनीत राजकुमार का दोपहर ये आज का जो कार्यक्रम है केवड़िया में, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और केवड़िया में एक खास कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह है। उनका काफिला पहुंच रहा है, आज खास कार्यक्रम वहां पर होने वाला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। और देखिए अमित शाह का काफिला यहां पर पहुंच रहा है, उनका स्वागत यहाँ पर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर है। और हर साल यहाँ पर पीएम मोदी चीफ गेस्ट होते हैं, 2018 से जब से ये स्टैच्यू बना है, लेकिन पीएम मोदी रोम में है। ऐसे में अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर परेड भी होगी, जिसके बाद अमित शाह परेड की सलामी लेंगे। और ये बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की 560 रियासतों को एकजुट किया, देश के एकीकरण में उनका अहम योगदान रहा, तो ऐसे में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जनक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। जनक, अमित शाह का काफिला पहुंचा है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए जसवीर, आप थोड़ी देर बाद अमित शाह को जो सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया की 182 मीटर की, वहाँ सरदार पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा कहते हैं, वहां पर आप उसको उनको पुष्पांजलि देते हुए देखेंगे। क्योंकि काफिला है जो वीवीआईपी सर्किट हाउस जहाँ पर उनका रात्रि निवास हुआ था, वहां से वो निकल चुके हैं और कुछ ही मिनटों में वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वहां पर पहुंचेंगे और चरणकदमों पर वहां पर वो पुष्पांजलि देंगे। और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होते ही पास ही में, चूंकि हर साल की तरह जिस तरीके से आपने जिक्र किया वहां पर कि जितने अर्धसैनिक बल होते हैं उनकी एक परेड होती है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। दरअसल इसके पीछे की सोच भी यही थी जसप्रीत, कि जब आपको याद हो कि जब पूरी तरह से ये प्रतिमा तैयार हो गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे तो एकता दिवस को मनाया गया, दरअसल सभी एजेंसियों के बीच में एक यूनिटी रहे, एक कॉमन कॉज रहे और इसी के चलते एकता दिवस को साथ बाकी जितनी भी यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की देखिए जितनी अपनी एजेंसियां हैं या अपने जो भी साथी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सभी को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश का प्रयोग उस समय किया गया था। और उसके बाद से ये हर साल की तरह यहाँ पर तमाम एजेंसियां एक ही बार एक अपना जो भी कार्य हम देखते हैं कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ये परेड देखते हैं दिल्ली में, लेकिन ये न करते हुए केवड़िया को एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश के तौर पर इसको एक नया रंग दिया गया कि यहाँ पर तमाम एजेंसियां आए और अपने जो साल भर का जो कार्यक्रम या उनकी एक्सपर्टाइज रही हो, चाहे वो एनएसजी रही हो, आईटीबीपी रही हो, सीआरपीएफ रही हो, बीएसएफ रही हो, ये तमाम लोग आए यहाँ पर और अपना जो साल भर की जो उनके कौशल रहा उसको यहाँ पर लोगों के बीच में परेड के तौर पर रखे। तो लोग भी यहाँ पर आएंगे वहां पर देखने के लिए, हालांकि फिलहाल अभी कोरोना के चलते केवल स्पेशल इनवाइटीज हैं, लेकिन हर बार लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, लोग उस चीजों को देखते हैं। तो आज भी हर बार की तरह प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री रोम में हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं और ये परेड पूरा का पूरा देखेंगे। उसके बाद उनका थोड़ा भाषण होगा, उसके बाद अमूल का जो कार्यक्रम है जिसमें आनंद में उनको आना है, तो वहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वो सीधे आनंद आएंगे। बिल्कुल जनक, रही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा,
2018 में ये देश को सौंपी गई थी। उसके बाद से देखिए पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि जनक ने जिक्र किया, और अमित शाह जो कि बस पहुँचने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, और यहाँ पर सरदार पटेल लौह पुरुष जिनका देश के एकीकरण में अहम योगदान रहा है उनको समर्पित, क्योंकि हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि तमाम लोगों ने आज ट्वीट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र किया है। जनक आप बताइए, अमित शाह तो मुख्य अतिथि हैं, इनके अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए जितनी मैंने आपको सुरक्षा एजेंसियां बताई उनके तमाम के डीजी यहाँ पर होते हैं। और जसप्रीत एक बात और बताऊं आपको कि जब भी राष्ट्रीय एकता दिवस होती है तो उसका एक मकसद इसके पीछे ये भी था कि एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो रहे, ये तो बात सही, लेकिन तमाम अधिकारी यहाँ पर आए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक कितना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पीएम मोदी के लिए वो हम सब ने देखा है। तो जितने लोग यहाँ पर आते हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, यहाँ पर आए, रुके, देखे, और क्या विजन था न कि केवल पीएम मोदी का लेकिन सरदार पटेल ने जो रियासतों को जो जोड़ा और एक देश को बनाया, एक हमारा पूरा एक देश बना, उस देश के पीछे की सोच, उसके पीछे के विजन को अगर देखना है तो वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर होती है। और इसी के चलते 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने से नहीं है लेकिन वो कद कितना बड़ा था एक विचार के रूप में ये दिखाने की कोशिश है। और जो भी यहाँ पर आता है तो इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रखने की कोशिश, वो चाहे आप कैक्टस गार्डन कह लीजिए या चाहे और भी बाकी जगहों पर गार्डन बनाया गया, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में जब इनको बनाया तो सामने सरदार सरोवर बांध रहे हैं। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तबके का एक वहां पर चिड़ियाघर बनाया गया है, उसके अलावा बहुत सी सारी चीजें हैं जो एक आकर्षण के तौर पर वहां पर है। तो लोग जब आते हैं तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जब कोई एक परिवार से एक सदस्य भी यहां पर आएगा तो देखकर जरूर उसको अपने परिवार को यहां लाने की कोशिश करेगा, और आते हैं तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और बल मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सरदार के विजन को रखने के पीछे ये जो पीएम मोदी की सोच थी उसी के चलते हर साल यहाँ पर कार्यक्रम रखे जाते हैं, न कि केवल एकता दिवस, से पहले भी बड़े बड़े आपने देखे चाहे वो IAS IPS हो यहाँ या किसी भी बड़ी एजेंसियों के हेड रहे हो या तमाम सरकारी बाबू रहे हो, यहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होती रहती है। तो पहले होता था कि चाहे आप मसूरी में चले जाए तो वहां पर होती थी IAS के लिए, या फिर IPS में चले जाए तो आपको हैदराबाद में होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, आप आइए यहाँ पर करिए और सब अधिकारी एक साथ मिले जो जिनकी सबकी पोस्टिंग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में होनी है, तो वो आके देखे, विजन को देखे। समझे, आपने अब तक सरदार को पढ़ा है, अगर सरदार को समझना है तो फिर आपको यहाँ आना होगा, उस चीजों को देखना होगा। ये सोच के चलते राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और बढ़ जाता है, और इसी के चलते आज राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर ही आज सारी एजेंसियां जब अपना परफॉर्मेंस करेगी तो उसको एक सलामी भी देंगे, सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उसके बाद सारे जो डीजी हैं एजेंसियों के वो वहां पर होंगे, VVIPs होंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के होंगे अति अगरी, और उसके बाद हालांकि जिससे अभी मैंने कहा कि कोरोना काल होने के चलते बहुत लिमिटेड होगा यहाँ पर एक्सेस, लेकिन हर बार देखा जाए कोरोना जब नहीं था तो उस समय सभी को इनवाइट किया जाता, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर उनको बुलाया जाता था। पहले ऐसा था कि जैसे 5-7 रजवाड़ों की बात की तो उनके जो रजवाड़ों के जो विरासत में जो लोग रहे उनको यहाँ पर बुलाया जाता, बहुत से लोग होते हैं जो इन चीजों को देखते हैं, तो एक विचार को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल जनक, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आप देखिए अमित शाह जो की मुख्य अतिथि है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड की सलामी लेंगे, और काफी खास है ये दिन क्योंकि सरदार पटेल जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं देश के एकीकरण में राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए उनके प्रयासों को उनके योगदान को उन्होंने जो 562 रियासतों को एकजुट किया उनका एकीकरण किया उसको सम्मान देने के लिए हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसको मनाते हैं उनकी जयंती को। और देखिए ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आप देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यहाँ से भी एक संदेश और बड़ा संदेश इस जमीन से केवड़िया से जाता है, जैसा कि जनक ने जिक्र किया कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी और उसके बाद परेड की सलामी लेना, खिलाड़ियों का वहां पर पहुंचना, तो यहाँ से कई संदेश हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनके योगदान को समझे। जनक, अमित शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे क्या, ये बताइए, और ये भी बताइए कि जो परेड शुरू होगी कितनी देर में ये परेड शुरू होगी और कितने बजे अमित शाह का संबोधन होना है?
देखिए जो समय बताया जा रहा है वो अभी से कुछ ही पल में जो मैं आपको बता रहा जो कोनवाय आप देख रहे थे, तो जाहिर सी बात पहले बात आपने गुजरात के मुख्यमंत्री का कहा, तो जाहिर प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री वहां पर होते हैं, तो वो मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है वहां पर रहेंगे और उसके बाद ये पुष्पांजलि का जैसे कार्यक्रम खत्म होगा बिल्कुल पास में जो हेलीपैड ग्राउंड है वहीं पे हर बार ये जो परेड होती है वो उसी जगह पर होती है और इसी के चलते पहुंचने में हालांकि 8:30 हम उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम 8:30 का समय होगा क्योंकि उसके बाद के बहुत ही कार्यक्रम तय हैं गृह मंत्री अमित शाह के, क्योंकि उनको अमूल का जो एक विशेष कार्यक्रम है उनको 75 साल पूरे हो रहे हैं अमूल के, तो उसके चलते उनको वहां पर अमूल में भी पहुंचना है, तो अमूल का एक कार्यक्रम 11:30-12 के बीच का है, तो 8:30 से 11:30 जो 3 घंटे का वक्त है वहां पर ये परेड का निदर्शन वहां पर होगा और स्पेशली इसी चीज को लेकर जैसे मैंने जिक्र किया और आपने जिस तरीके बताया कि पीएम हम हर बार आते हैं लेकिन पीएम आज इस बार नहीं थे, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं और उन सभी जो परेड है उस परेड को देखेंगे, जो उन निदर्शन रहा है उन एजेंसियों की खासियत में रही है जो भी वो एक्सपर्टाइज के तौर पे वो रहे वो उसका निदर्शन वहां पर होगा, उस चीजों को दिखाएंगे, सलामी लेंगे और उसके बाद एक छोटा सा भाषण होगा और उसके बाद सीधा हेलीपैड से होते हुए वो सीधा आनंद पहुंचेंगे। बिल्कुल जनक और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी जयंती है, उन्होंने बहुत सारी देश को सीख दी है, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सीखना चाहिए किस तरीके से व्यवहारिकता और विनम्रता होनी चाहिए, अहिंसा का उन्होंने साथ दिया, तो बहुत सारी चीजें युवाओं को खासकर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनसे सीख लेने की जरूरत है। जाहिर सी बात है देखिए जसप्रीत मैं अब इन चीजों का मैं गवा रहा हूं कि जब पीएम मोदी ने पहली बार इस विजन को रखा था 2008-09 में कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पर बनने जा रही है या बनाने की कोशिश है, तब कई लोगों ने इसको बेहद हल्के में लिया था कि क्या दुनिया की ऊंची प्रतिमा कभी बन सकती है, क्या वो भी भारत में बन सकती है। उसके बाद जब 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले पहले जब उसकी नींव रखी गई तब लगा कि नहीं इस पर कुछ हो रहा है क्योंकि पीएम कितने कमिटेड है इस चीज का, और देखिए आप 2018 में 5 साल से भी कम वक्त में पूरी प्रतिमा ऊंची खड़ी हो गई, उस प्रतिमा के नीचे खड़े होते रहते हुए मैंने बतौर मेरा भी सीना चौड़ा हो गया था कि हाँ मैं एक बतौर नागरिक के तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो इसका इनॉग्रेशन उस समय होना था पीएम उस समय पहुंचे नहीं थे, और मुझे याद है कि 29 अक्टूबर वो तारीख थी जब मैं ये रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था, तो सीना फक्र से चौड़ा हो गया था कि हाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे खड़े रह के ये मैं दिखा रहा हूँ दुनिया को कि देखिए ये प्रतिमा ये विजन ये पीएम मोदी का विजन था जो हमने अब तक सरदार को केवल किताबों में पढ़ा था या कहीं फिल्मों में हमने देख लिया, उसके विचारों को हमने कभी जिंदगी में उतारा नहीं और ना ही इतने करीबी हुए, तो वो चीजों को अगर देखना है जब तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भी आए एक बार जब ये देखिए कि एक विजन एक व्यक्ति के विजन को किस तरीके से देश ने उनको एकजुट किया वो एक छोटी बात नहीं थी, 560 रजवाड़ों को एक साथ करना एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना ये एक छोटी बात नहीं है, और उसकी उस विजन को 182 हालांकि उसके बाद कहते हैं कि 182 विधानसभा है गुजरात में इसलिए 182 सीटें हैं विधानसभा में इसलिए 182 मीटर बनाई गई और दुनिया की ऊंची प्रतिमा के तौर पर उसको रखा गया, लेकिन उस बात को एक मूलतः बात उसकी यही रही कि उस विजन को अगर आपको महसूस करना है उन चीजों को मैंने देखा है कि मैं वहां पर जितनी बार गया उन चीजों को मैंने महसूस किया कि एक के बाद एक केवल सरदार की प्रतिमा बनाने से कुछ नहीं होगा, सरदार के प्रतिमा और उसके विचार उन लोगों को आकर्षित करने के लिए एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अगर आपको इसको लाना है तो उस सोच को बेहद अच्छी तरह से जमीन पर उतारना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी उस चीज को यहाँ पर उतारा, और आप बच्चे चाहे जब आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं चाहे 2 साल से बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक के सबके इंटरेस्ट को यहाँ पर एंजॉय करने की या कहें कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बनाई गई है, तो ऐसा कहीं पर नहीं लगता कि कोई आके यहाँ पर बोर हुआ, लेकिन ये जरूर है उस सोच से जब आप सोच के सामने आते हैं उस सोच को जब आप अपने दिमाग में उतारते हैं तो लगता है कि हाँ ये कुछ जरूर था उसके सरदार के जो भी कार्यशैली थी सरदार के विचार को उतना तवज्जो नहीं मिली इतिहास में, लेकिन ये पहली बार ये कोशिश भी हुई कि सरदार क्या व्यक्ति थे किस तरीके की शख्सियत थे और किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल जनक जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जिस देश की हम भारत की बात करते हैं और गर्व महसूस करते हैं उसकी उस विशाल भारत की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना अधूरी थी। बढ़ते हैं आगे, अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है, इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन
नई कहानी कहता है। अमल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमल की एक अमूल्य कहानी। अमूल के इस विज्ञापन में 2010 में सुर्खियों में छाए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को विषय बनाया गया। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। घोटाले की आंच तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा तक पहुंची तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजा समेत कई अक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में सभी अक्यूज्ड को अदालत ने रिहा।